हेलो फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूं जिसे आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा और आप सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम खरीदें, क्योंकि ये प्रोडक्ट है बालों के लिए। मेन हो वेमेन हो, दोनों आजकल डैंड्रफ, बाल झड़ने या पतले बाल होना या गंजेपन, इन सभी से परेशान हैं। तेल भी लगाते हैं, पार्लर्स में पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं निकलता। इसीलिए आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। चलिए देखते हैं। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है सीक्रेट का ब्लैक चार्म हेयर ऑयल। इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक बॉटल है जो कि प्लास्टिक की है और बहुत ज्यादा प्लास्टिक, हैवी प्लास्टिक नहीं है। साथ में जो लिड है उसे आप गोल घुमा करके खोलने वाला लिड है ये, ना कि टिप टॉप बॉटम बटन है। तो इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि ये बॉटल अच्छी मजबूत बॉटल है। अगर आप इसे यूं छोड़ भी देंगे तो ये गिर कर टूटेगी या फटेगी नहीं, मतलब जो इसके अंदर तेल है वो सिक्योर है, ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आप कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब बात करें अगर प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जनरली लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि हमारे बालों पे, कोई कहता है सरसों का तेल सूट नहीं होता, कोई कहता है कि मुझे कोकोनट ऑयल की जो स्मेल है वो सूट नहीं होती। तो इस प्रोडक्ट में जो सारी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स, वो इस प्रोडक्ट में ये है कि इसमें एलोवेरा यूज़ किया है, भृंगराज यूज़ किया गया है, आंवला जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देता है, फिर करी लीव्स जिसे हम जनरली खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कड़ी पत्ता कहते हैं जिसे, ब्राह्मी यूज़ किया है, और ये जो पूरा तेल है ये इन मिक्सचर्स के साथ में कोकोनट ऑयल से बना है। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये 100% नेचुरल है, इसमें कुछ भी एनिमल एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं वो नहीं है और केमिकल्स नहीं है, क्योंकि हमारे बालों की जो थिनिंग की समस्या है वो आज की डेट में केमिकल्स के यूज़ करने से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही केमिकल वाले प्रोडक्ट्स या शैम्पूज और ये सब लगाती हैं, आजकल मेन भी ये सब करते हैं, और ये होममेड है। सबसे अच्छी चीज़ कि ये घर पर बना हुआ है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो आप सभी नाम से जानते होंगे, भृंगराज हो गया, आंवला हो गया, जो कि सब बालों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट के क्वालिटी की। क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे और स्मेल चेक करेंगे, क्योंकि हेयर ऑयल की क्वालिटी ऑब्वियसली लगाकर ही पता चल सकती है। तो मैं इसे अपने थोड़ा सा हाथ में लेकर के देखती हूँ। तो इसकी हम सबसे पहले थिकनेस चेक करेंगे। तो जैसे मैंने हाथ में लिया है तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, चिपचिपा नहीं है ये, जो हम जिससे घबराते हैं तेल लगाने से कि बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा तो हमें 2 से 3 बार शैम्पू करना पड़ेगा। तो थिकनेस इसकी बहुत नॉर्मल है और स्मेल जो फ्रेग्रेंस है उसमें प्रॉपर जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है, और सबसे स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो है आंवले की। और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो इसका कलर जो है वो येलोइश, ग्रीनिश येलोइश कलर का है, और क्योंकि कोकोनट बेस्ड ऑयल है ये, तो कोकोनट की भी अच्छी खासी स्मेल आ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्कैल्प पर ही अप्लाई करें और रूट्स पे ना करें, तो ऐसा नहीं है, इसे आप पूरे बालों में अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब भी इसे अपने सर पर लगाएं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो आपको एक बार वॉश करने में ये तेल नहीं जाएगा। एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे समझ में आया है वो यही है कि हालांकि थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तेल होने के नाते और इतनी चीज़ें मिले होने के कारण ये हल्का सा स्टिकनेस आपके हेयर को दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस ब्लैक चार्म ऑयल को आपको अप्लाई कैसे करना है। जनरली जो नॉर्मल आप तेल लगाते हैं, आप नारियल तेल लगाते हैं तो उसे हल्का गर्म कर लेते हैं और लगाते हैं, लेकिन इस बॉटल में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हमें उसे फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले शेक वेल बिफोर यूज, फिर इसे जनरल अमाउंट का तेल जो है वो सर पे स्कैल्प पर लगा करके चंपी करना है,
उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप चंपी कीजिए ताकि आपको वैसे भी रिलैक्स मिले और तेल आपका जो है वो स्कैल्प के अंदर अच्छे से जा पाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें ओवरनाइट रखना है या सिर्फ धोने से पहले 1 घंटे के लिए लगाना है, तो इसमें ये मेंशन किया गया है कि आप चाहें तो 3 से 4 घंटे पहले अपने सर धोने के भी लगा सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है और हफ्ते में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बार इस तेल को आपको यूज करना है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। मेरे हाथ में ये प्लास्टिक बॉटल है जो कि 500 ml की है, जिसका प्राइस रेंज थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस है 2629, यानी कि 2600 की रेंज में ये आपको आधे लीटर की बॉटल अवेलेबल होगी। अब थोड़ा सा ये लग्जूरियस ब्रांड में आ जाता है क्योंकि हर कोई तेल जब खरीदने जाता है अपने सर के लिए तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तेल नहीं ना सोचता है ना खरीदता है और ना ही वो लेगा कोई भी। तो जिन्हें प्रॉपर हेयर केयर का शौक है और जो प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो करते हैं उनके लिए ये तेल बिल्कुल सही है, लेकिन जो नॉमिनल रेंज वाले लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम 2 से 3 तेल मिक्स करके लगा लें, उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये प्लास्टिक बॉटल 500 ml की है, जिसका प्राइस थोड़ा सा हाई रेंज है, 2600 की रेंज में है। 6 से 7 इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हुए हैं तब जा कर के ये तेल बना है और कोकोनट ऑयल का जो इसमें बेस दिया गया है। ऑयल की फ्रेगनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप सर पे लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उसकी स्मेल से सर दर्द होगा। इंग्रेडिएंट्स एकदम नेचुरल है, हैंडमेड है, एनिमल की कोई भी क्रुएल्टी इसमें नहीं दी गई है और अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी बेहद आसान है। इसके साथ अगर आपको जब ये तेल खरीदना है तो उसके लिए आपको इसका thesecretthaicare.com वेबसाइट है, उसमें जाकर के आप ये तेल खरीद सकते हैं। तो जैसा कि बॉटल पर लिखा है, अ सीक्रेट वर्थ शेयरिंग, तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आपने कभी अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो उसके भी सजेशंस आप दे सकते हैं। तो मैं फिर हाजिर होंगी एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक आप NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके।